नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, मैं पहले वीडियो में जी की बता चुका हूं कि 31 जनवरी को जे की सुप्रीम कोर्ट जे की ईवीएम पर जे की फैसला देने वाला था, इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य हो सकता है जिसके वजह से बहुत जे की कम संभावना जे की बचती है कि लोगों के पक्ष में न्याय हो। और सेम जे की वही हुआ, कल 31 जनवरी था और ऐसा दावा किया गया कि न्यायाधीश के सामने उस फाइल को रखा ही नहीं गया, तो न्यायाधीश उस फाइल पर जे की फैसला सुनाएंगे कैसे। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है, किसने जे की एविडेंस को लगाया था, किसने जे की याचिका दायर की थी जिसका फाइल जे की जज के सामने जे की पहुंचा नहीं। या कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जज खुद ही किसी के दबाव में हो जिसके वजह से जे की फैसला नहीं सुनाना चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है। और वही बात जे की हुआ, जज फैसला नहीं सुनाए और उस फैसले को सुरक्षित रखा ही गया है और लाखों की भीड़, तमाम जे के दर्शक जे उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और जे की तमाम जे की वहाँ जे की उपद्रव जे के होते रहा, बहुत जे की प्रदर्शन होते रहा, लेकिन किसी भी प्रकार से कहीं से जे की सीजीआई चंद्रचूड़ जे की यह जे की निश्चय नहीं कर पाए कि क्या जे की फैसला देना है कि नहीं देना है। जैसे लगाए जैसे कि बुझे किसी को जे की सांप सूंघ गया हो, ऐसा जो है कि माहौल को क्रिएट किया गया और कहीं से भी संभावनाएं नहीं बनी कि उस पर जाके फैसला दिया जाएगा। इधर दोस्तों बता दें कि लाखों की भीड़ तादाद जे की इकट्ठा होने पर सबके जे की सोच पर जे की पानी फिर गया है और जे की किसी भी तरीका से जे की कोई उम्मीद नहीं जता रहा है। और उसी बीच जे की बीजेपी यह दावा कर रही है, किस बेस पर दावा कर रही है या आप जी की फैसला करें और आप हमें पिंट कमेंट में जरूर बताएं। 400 सीट से जी की पार की संख्या को बता रही है और कह रही है कि हम जी की 400 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं, किस बेस पे कह रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जी की यह फैसला नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ जे की लाखों की संख्या में जे की भीड़ इकट्ठी हुई है उसको दनादर कर दिया गया, उसके जे की बात को किसी प्रकार से कोई इज्जत नहीं दी गई। और उसके बाद से बीजेपी के लोग जे की कह रहे हैं कि हम 400 सीट जे की जीत के ला रहे हैं, इस पर जे की क्या रहस्य है, इसका जे की क्या गोलमाल है, इस पर जे की आप अपना राय जरूर बताएं। अब ऐसा नहीं लगता है कि ईवीएम से जे कि कुछ जे कि ज़्यादा जे कि हम लोग को फर्क जे कि पड़ेगा या ज़्यादा नुकसान जे कि होगा, क्योंकि बीजेपी भी कमर कस चुकी है और जे कि चुनाव आयोग भी कमर कस चुका है और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट भी यह चाहता है कि बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को अपने जे कि पक्ष में करके, चुनाव आयोग आप लोग को मालूम होगा कि पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में जे की है, बीजेपी उस पर जे की कब्जा करके जे की बैठा हुआ है। और साथ ही में मैं बता दूं कि अभी हाल ही में कोलोजियम सिस्टम को समाप्त करके एनएजेसी सिस्टम को लागू करने का जे की व्यवस्था रखा गया, जिसमें कोलोजियम सिस्टम में जे की जज का नियुक्ति करता है और इधर जे की एनएसजी सिस्टम में जे की प्रधानमंत्री जो है कि जज की नियुक्ति करेंगे। कहीं इसके डर की वजह से सीजीआई चंद्रचूड़ तो अपना फैसला नहीं बदल दिए, इसमें देखना है। और इसमें जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो कि विषय जो कि है कि कहीं हो सकता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ अपने फैसला को बदल चुके हों और चाहते हों कि बीजेपी चुनाव जीते और बीजेपी का वर्चस्व जो कि कायम रहे। क्या उनको डर लगता है कि कहीं चुनाव बाई चांस अगर जीत जाए चुनाव आयोग के सहयोग से, तो जे कि हमें जज बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, हमें तुरंत जे कि हटा दिया जाऊंगा। तो आप सीजीआई चंद्रचूड़ साहब यह जान ले कि आप नवंबर में रिटायरमेंट जे कि होने जा रहे हैं, आपको एक निष्पक्ष जे कि फैसला करना चाहिए, लेकिन आपने किसी भी प्रकार से कोई निष्पक्ष फैसला जे कि नहीं सुनाया है और जे कि दाही सुरक्षित रखा है, उस पर जे कि किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस पर जे कि क्या राय है, क्या मत है,
लोगों को सोचना और समझना चाहिए। दोस्तों आज ऐसा स्थिति जो कि देश में जो कि आ चुका है कि कोई भी नहीं चाहता है, कोई जो कि शासन प्रशासन, कोई जो कि अधिकारी चुनाव आयोग हो या जो कि सुप्रीम कोर्ट हो या जो कि अन्य कोई जो कि कोर्ट हो, कोई यह नहीं चाहता है कि जो कि बीजेपी जो कि चुनाव जो कि हारे। सभी लोग यह चाह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीते, क्या फ़ायदा है, जबकि नौकरी चली जा रही है, उसके बाद से पेंशनधारी को पेंशन जो कि नहीं मिल पा रहा है, तमाम तरीके की कठिनाइयों को कठिनाई का सामना करने के बावजूद भी यह कुछ चंद जी के लोग हैं जो चाहते हैं जो कि बीजेपी ही चुनाव जीते। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर जी के बताएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके पास जो कि वोट देने का अधिकार अभी तक है और वो है संविधान की वजह से। लेकिन आज ऐसी स्थिति जी की आ रही है जैसे लग रहा है कि अब जो कि कुछ जो कि देश में जो कि नहीं बचने वाला है। तो इस पर जो कि आप अपना राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को पूरा फुल वीडियो को वॉच करें और जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।